एक टाइम पे आईपीएल की जॉइंट सबसे सफल टीम जिसके पास चेन्नई सुपर किंग्स के इक्वल और मुंबई इंडियंस से ज्यादा ट्रॉफीज थी, एक ऐसी डेंजरस साइड जिसको गौतम गंभीर ने शिखर तक पहुंचाया था। दो टाइटल्स जीतने के साथ ही इस टीम ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे और तो और सारे फैंस का दिल भी जीता था। पर गंभीर के जाने के बाद इस टीम के लिए कुछ भी काम नहीं करा है, मानो उन्होंने अपना लग भी गंभीर के साथ जाने दिया हो। तो कैसे एक टाइम पर अपना दबदबा रखने वाली टीम आज आईपीएल में इतना स्ट्रगल कर रही है? आज बात करेंगे थ्री मेन रीजंस की जिसकी वजह से केकेआर अपनी सक्सेस रिपीट नहीं कर पाई है। सिट बैक एंड वॉच द डाउनफॉल ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल के 2008 में शुरू होने के साथ ही केकेआर की कमान सौरव गांगुली को दी गई थी, पर उस सीजन में उन्होंने पॉइंट्स टेबल में 6 फिनिश करा। उसके अगले साल ब्रेंडन मैकलम को एज अ कैप्टन ट्राई करा गया, बट ये एक्सपेरिमेंट भी कुछ खास साबित नहीं हुआ एज केकेआर फिनिश्ड 8। फिर वापस केकेआर सौरव गांगुली को लेके आए, बट दादा भी कुछ ज्यादा कर ना सके। अब ये क्लियर था कि टीम में बदलाव लाने के लिए किसी एक ऐसे खिलाड़ी को लाना होगा जिसका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट हो, और इसी वजह से केकेआर मैनेजमेंट 2011 ऑक्शन में गंभीर को लेके आए और उनको डायरेक्ट कैप्टेंसी की कमान थमा दी, और यहीं से शुरुआत हुई द गंभीर एरा या फिर केकेआर के गोल्डन डेज। 2011 से 2017 के बीच यानी इन 7 सीजन्स में जिनमें गंभीर ने कैप्टेंसी करी थी, उसमें से टीम ने 4 बार प्लेऑफ क्वालिफाई कराए और 2 बार चैंपियंस भी बने हैं। एज कैप्टन सबसे ज्यादा आईपीएल मैचेस जीतने की रेस में गंभीर 3rd नंबर पर हैं, और अगर विन परसेंटेज की बात करें तो वो खाली धोनी से मामूली अंतर से पीछे हैं। जहां धोनी की विन परसेंटेज 58.8 है, वहीं गौतम गंभीर हैज अ विन परसेंटेज ऑफ 57.5। कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में गंभीर टॉप पर हैं, एंड आईपीएल की बात करें तो ही इज एट नंबर 13। मतलब सिर्फ कप्तानी से ही नहीं, गंभीर ने केकेआर की बैटिंग को भी लीड किया है। गंभीर की यूनिक टैक्टिक्स की वजह से केकेआर को कई बार फायदा भी हुआ है, जैसे सुनील नारायण से बैटिंग ओपन करवाना, जिसकी वजह से आईपीएल पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी केकेआर के पास है। बॉलिंग में भी गंभीर कई न्यू चेंजेस लेके आए थे, जैसे धोनी के अगेंस्ट बार बार वो अटैकिंग फील्ड सेटअप से लेके स्टार्टिंग से ही स्पिन बॉलर्स को इंट्रोड्यूस कर देना। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल डिसीजंस थे जो गंभीर ने इजीली करके दिखाए। गंभीर हैड एन अग्रेसिव माइंडसेट जिसकी वजह से उनको सिर्फ जीत दिखती थी, चाहे सामने यंग दिल्ली टीम हो या स्ट्रॉन्ग आरसीबी। इस माइंडसेट की वजह से भले ही उनके ऑन फील्ड किससे भी हुए हो, बट इन द लॉन्ग रन ये केकेआर के ब्रांड को काफी सूट करा था। इन्हीं छोटी छोटी प्लानिंग्स और स्ट्रेटजीज की वजह से केकेआर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह नजर आने लगा था। कोलकाता के लिए सब बढ़िया चल रहा था, बट 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। गंभीर ने केकेआर मैनेजमेंट को बताया कि वो अपने आईपीएल करियर का एंड अपनी होम टीम से करना चाहते हैं, विच वॉज दिल्ली। जो न्यूज आ रही है वो यही कि गौतम भी नहीं चाहते थे केकेआर में रुके रहना, वो चाह रहे थे कि शायद अंत अपना जो करियर का करें वो आईपीएल करियर का अपने घरेलू टीम के साथ करें जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, तो वो है दिल्ली डेयरडेविल्स। और केकेआर ने उनकी ये बात एक्सेप्ट भी कर ली थी, एंड इसीलिए दे डिडंट रिटेन हिम इन 2018 ऑक्शन, ये सोच के कि अब फ्यूचर के लिए उनके पास एक बेस टीम रेडी है जहां उन्होंने यंग प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल एंड शिवम मावी के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर में भी इन्वेस्ट किया था, जैसे दिनेश कार्तिक और इयान मॉर्गन। ऑन पेपर तो इस टीम में दम था, बट फील्ड पर एक चैंपियन टीम बनने से ये काफी दूर थे, और यहां से शुरू हुआ केकेआर के नीचे जाने का सफर। पिछले 9 सालों में केकेआर ने एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीती है। गंभीर का सडन डिपार्चर केकेआर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये मैनेजमेंट उस टाइम पर समझ ही नहीं पाई, और टीम को एक नए सिरे से बनाने के चक्कर में उन्होंने अपने भरोसेमंद और प्रूवन प्लेयर्स को भी जाने दिया, जिसमें सबसे बड़े नाम थे सूर्य कुमार यादव और ट्रेंट बोल्ट। भले ही केकेआर के लिए ये प्लेयर्स ने तब तक आईपीएल में कुछ ना फोड़ा हो, बट गंभीर के जाने के बाद ये जरूरी था कि मैनेजमेंट अपने पुराने प्लेयर्स पर भरोसा रखे, मगर ऐसा ना हो सका और ये प्लेयर्स रिलीज कर दिए गए। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं यही दो प्लेयर्स ने मुंबई इंडियंस के लिए मल्टीपल विनिंग कैंपेन्स में कितना बड़ा रोल प्ले किया है, और यही चीज हमें लेके आती है वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल रीजंस फॉर केकेआर डाउनफॉल, जो है उनकी मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए गलत डिसीजंस। और ये कहना गलत नहीं हुआ कि इसके पीछे काफी बड़ा हाथ है खुद केकेआर सीईओ वेंकी मैसूर का। वेंकी हमेशा से ही टीम में क्रिकेटिंग एंड टैक्टिकल डिसीजंस में इन्वॉल्व रहे हैं, ऑक्शन की टेबल से लेके टीम सिलेक्शन तक ये हर जगह दिखते थे, एंड ये बात सामने आई 2022 के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जहां खुद श्रेयस अय्यर ने इसका खुलासा किया था। क्लियरली अगर कोई नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड वाला बंदा टीम के प्लेइंग 11 डिसाइड करे तो काफी जगह गलत होना तो कॉमन है, और यही हुआ केकेआर के साथ। ना तो इन्होंने सही प्लेयर्स को रिटेन किया और ना ही गलत प्लेयर को रिलीज। एट द एंड सारा सीजन केकेआर उन्हीं दो प्लेयर्स पर डिपेंडेंट हो गई, आंद्रे रसेल एंड सुनील नारायण, बट वो भी कब तक उनको बचाते। इनफैक्ट पिछले 9 सीजन में केकेआर सिर्फ 4 बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैनेजमेंट के डिसीजन कितने गलत थे। अगला बड़ा रीजन फॉर केकेआर्स बैड परफॉर्मेंस इज टीम बिल्डिंग, और केकेआर ने ये चीज एक बार नहीं कई बार खराब करी। एक टीम को स्क्रैच से बनाने का
सही टाइम होता है मेगा ऑक्शन, बट केकेआर लास्ट के दोनों मेगा ऑक्शन में वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हासिल करने में नाकाम रहे हैं। 2018 में उन्होंने एक्सपीरियंस दिनेश कार्तिक को अपना कैप्टन बना के उन पे बैठ ली थी, बट जितनी हाइप इस डिसीजन के अराउंड बनाई गई थी उतने ही लेवल पे ये मूव फ्लॉप करा है। इनफैक्ट केकेआर को जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है रिसेंटली वो दिनेश कार्तिक को मिड सीजन कप्तानी से हटाने की वजह से मिली है, क्योंकि इयान मॉर्गन को कैप्टन बनाने के बाद ही केकेआर आईपीएल फाइनल्स में पहुंची थी इन 2021। इसके अगले मेगा ऑक्शन में यानी कि 2022 में केकेआर ने श्रेयस अय्यर पर बैट ली थी, बट यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया जब अय्यर को इंजरी की वजह से पूरा ही सीजन बाहर बैठना पड़ा एंड कप्तानी आ गई नितेश राणा के ऊपर। इसके अलावा जब भी केकेआर को अपॉर्चुनिटी मिली है एक फाड़ू टीम बनाने की वो कैपिटलाइज करने में असमर्थ रहे हैं, और उन्होंने 2022 में शुभमन गिल को वेंकटेश अय्यर के लिए टीम से रिलीज कर दिया था। सो बेसिकली केकेआर अपनी कोर टीम पहचान नहीं पाई और ना ही सही प्लेयर्स पे बैट ले पाई, जिसकी वजह से इतने सालों से उनको आईपीएल ट्रॉफी की जगह डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिली। हमारे अगले पॉइंट के लिए अगर हम गंभीर एरा वाली केकेआर के प्लेयर्स को पोस्ट गंभीर एरा से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत स्टार्क डिफरेंस नजर आएगा, और वो है इंडियन और ओवरसीज प्लेयर्स पे डिपेंडेंसी। जहां गंभीर के अंडर मेन फोकस इंडियन कोर पे था एंड प्लेयर्स लाइक रॉबिन उथप्पा, यूसुफ पठान, मनीष पांडे, पीयूष चावला प्लेड अ वेरी क्रूशियल पार्ट जब भी दो बार केकेआर जीती है, बट गंभीर के जाने के बाद देखो तो समहाउ द फोकस हैज शिफ्टेड ऑन गेटिंग द बेस्ट ओवरसीज प्लेयर इन द टीम एंड उनके अराउंड टीम बनाई जाए। इसमें से दो प्लेयर्स तो हमेशा उनके लिए फिक्स्ड ही रहे हैं, वो है आंद्रे रसेल और सुनील नारायण। चाहे रसेल को इलीगल सब्सटेंसेस के कंजम्पशन के लिए बैन करा गया हो या सुनील नारायण को उनके सस्पेक्ट एक्शन के लिए, केकेआर ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है एंड हर साल रिटेन भी किया है इस होप में कि कभी ना कभी तो चलेंगे, बट सैडली वो परफॉर्मेंसेस खाली पैचेस में ही आई। दोनों ही कोर प्लेयर्स केकेआर के लिए कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पाए हैं एंड इसी के साथ केकेआर दूसरे ओवरसीज प्लेयर्स के पास भी गई थी लाइक पैट कमिंस, लॉकी फर्गुसन, क्रिस लिन, मगर उनकी ये डिपेंडेंसी कब ओवर डिपेंडेंसी में बदल जाती है इवन दे डोंट नो। शायद उन्हें अपना ट्रस्ट इंडियन प्लेयर्स पे डालने की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए 2024 में केकेआर एक इंप्रूव परफॉर्मेंस की होप कर रही है, क्योंकि इस साल उन्होंने अपनी कोर में काफी इंडियन स्टार्स रखे हैं जैसे श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, नितेश राणा एंड वेंकटेश अय्यर। हमने केकेआर के पास सीजन की तो बात करी, पर एक नजर आने वाले सीजन पे भी डाल लेते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस प्लेयर की हमने अभी तक इतनी तारीफ करी है वो लकी चार्म इनके लिए वापस आया है, नॉट एज अ प्लेयर दो बट एज अ मेंटर। कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी खास प्लेयर गौतम गंभीर को मैनेजमेंट रोल में वापस लेके आए हैं, और अब ये देखना होगा कि गंभीर के अंडर ये टीम कैसा परफॉर्म करती है। क्या दोनों सीनियर हेड कोच चंद्रकांत एंड गंभीर केकेआर के लिए बेटर होंगे या दोनों की डिफरेंट अप्रोचेस केकेआर को फिर ले डूबेगी। कुछ चीजें हैं जो केकेआर के लिए फेवर में काम कर सकती हैं इस साल, जैसे कि उनके कप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी। कैप्टेंसी एक्सपीरियंस के अलावा वो मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी तो लाते हैं, और यही एक ऐसी चीज है जो केकेआर ने लास्ट सीजन काफी मिस करी थी। नितेश राणा ने अपना पूरा ट्राई करा पर एक्सपीरियंस की कमी की वजह से काफी जगह कैप्टेंसी डिसीजंस में भी चूक नजर आई, और इसी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग पे तो फर्क पड़ा ही था। इस साल केकेआर यही होप करेगी कि अय्यर की लीडरशिप में नितेश फ्रीली खेल पाए। एक और चीज जो केकेआर के लिए इस सीजन काम कर सकती है वो है टीम कॉम्बिनेशन। लास्ट ईयर की गलतियों को सुधारने के लिए केकेआर ने इस साल काफी एफर्ट मारा है, जिसमें से एक प्रॉब्लम थी उनका ओपनिंग पेयर, क्योंकि लास्ट ईयर 14 मैचेस में उन्होंने 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करे थे। लेकिन इस साल केकेआर लकी रही है क्योंकि जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के लिए उनको इनफॉर्म बैट्समैन फिर सॉल्ट मिले। सॉल्ट के साथ अच्छी बात यह है कि ही आल्सो गिव्स अ कीपिंग ऑप्शन टू द टीम, जिसकी वजह से वो ओपनिंग स्लॉट के लिए भी प्रथम दावेदार रहेंगे। उसके अलावा लास्ट ईयर केकेआर की बॉलिंग लाइनअप काफी इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन इस साल उसका भी ख्याल रखते हुए केकेआर रिकॉर्ड प्राइस में मिचेल स्टार्क को लेके आई है। अगर स्टार्क फॉर्म में हो तो वो सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताने की क्षमता रखते हैं, और शायद अपना 1/3 बजट स्टॉक पर खर्च करने के बाद केकेआर की उनसे यही एक्सपेक्टेशन होंगी। बाकी डिपार्टमेंट में भी कोलकाता ने काफी अच्छे ऑप्शंस रखे हैं, जैसे कि मनीष पांडे, केएस भरत और गुरबाज। सो इस सीजन केकेआर बेटर तो परफॉर्म करेगी, ये तो है। उन्होंने अपनी कमियों पे काम करने की कोशिश तो जरूर की है, अब बस देखना ये होगा कि ये मेहनत कितना रंग लाती है। सो क्या ये वो साल होगा जब केकेआर फैंस एक बार फिर कह पाएंगे कि कोर बो लोर बो और फाइनली जीत बो।